हेलो फ्रेंड्स, श्रेय फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हुकाई लगाना बताऊंगी। हम दो तरीके से हुक लगा सकते हैं। मशीन में बटन फुट लगाकर भी हम हुक लगा सकते हैं और हाथ से भी हम हुक लगा सकते हैं। इसके लिए हम बटन स्विंग फुट आता है, ये देखिए, ये बटन स्विंग फुट है। ये आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो और जहाँ पे आपको मशीन की एसेसरीज मिलती है वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। और इसी फुट से हम बटन भी लगा सकते हैं। बटन लगाने का वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। अब हम इस फुट से हम हुक लगाएंगे और हाथ से भी हम हुक लगाएंगे और आई हाथ से भी बनाएंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रेशर फुट को हटा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, उसको हम दबाएंगे तो ये फुट बाहर आ गया है, देखिए। अब हम फीड डॉग ड्रॉप कर लेते हैं। अगर हम फीड डॉग ड्रॉप नहीं करेंगे तो कपड़ा चलता रहेगा और इसमें कपड़ा नहीं चलना चाहिए, एक ही जगह रहना चाहिए। इसके लिए देखिए लीवर है, इसको हम दबाएंगे इस तरह से नीचे दबाकर और राइट साइड में ले जाकर हम इस स्लॉट के अंदर फिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब हम मशीन की सेटिंग करेंगे। सेलेक्टेड डायल को हम सी पर रखेंगे जो कि जिगजैग स्टिच करता है, और लेंथ डायल को आप 1 से 4 के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो। अब हम इस फुट को लगाएंगे। ये देखिए, फुट लग गया। अब आपको जिस पे भी हुक लगाने हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्लाउज का, ये दो तरह की पट्टी, एक पे हुक लगता है और एक पे आई बनती है। तो मैं आपको पहले हुक लगाना बताती हूँ मशीन से, और एक फिर मैं एक हुक आपको हाथ से लगाना बताऊंगी। अब हम हुक लगाएंगे, उसके लिए कपड़े पे मार्किंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कितनी दूरी पर लगाना है हुक, इस तरह से आप मार्किंग कर लें ऐसे, और एक आप इस तरह से बीच बीच में इस तरह से मार्किंग कर ले। अब हम हुक लगाना बताते हैं। इस हुक को फिक्स करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक आड़ी लूप बनाएंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ के लिए, ये देखिए यहाँ के लिए, तो एक लूप बना लेते हैं। फिर हम इनमें स्टिच करेंगे। जिगजैग में स्टिच विड्थ हम मैक्सिमम फुल रखेंगे। एक बार आप हैंड व्हील से निडल को चलाकर चेक कर लीजिए कि जहाँ पे आपने मार्किंग की है वहीं पे स्टिच हो रही है या नहीं, इस तरह से देख। अब हम मशीन चला लेते हैं। ये देखिए, ये लूप बन गई है। ये जो एक्स्ट्रा धागे है उसको आप गांठ लगा दीजिए ताकि ये खुले नहीं। आप इसको जैसे पास से काट देंगे, मान लीजिए यहाँ से काट देंगे तो ये लूप खुल जाएगी, तो आप थोड़ी दूरी पर से काट कर और नोड लगा लीजिए, यानी कि गांठ लगा लेनी यहाँ पे ताकि ये खुले नहीं। अब आप पास से काट दीजिए, इसी तरह आपको पीछे भी गांठ लगा लेनी है और यहां से भी एक्स्ट्रा धागे को आप काट देना। और हमने अलग धागा इसलिए लिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और अगर आप सेम मैचिंग का धागा लेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इस हुक को इस लूप में इस तरह से फंसाएंगे, देखिए। देखिए, और इसको हम इस तरह से उल्टा ले आएंगे। अब ये दोनों जो नुक्के दिखाई दे रहे हैं इसको स्टिच करेंगे, जब ही ये हुक हमारा फिक्स होएगा। हमें इस तरह से रखना है, देखिए। स्टिच लेंथ को हम कम ज्यादा करेंगे इसको सेट करने के लिए। इसकी वेट हम कम करेंगे थोड़ा। ये देखिए, इसको आप सुई टकराने नहीं चाहिए, एक बार आप हाथ से चलाकर इसको चेक कर लें। सीधा अगर आप मशीन को चला दी तो हो सकता है निडल टूट जाए। ये देखिए, सुई कहीं नहीं टकरा रही है। अब हम मशीन को चला लेंगे।
अब हम उठा देंगे इसको। अब हम इधर वाले नुक्के को स्टिच करेंगे। इसी तरह आपको इसको भी बैलेंस करना, सुई को पहले हाथ से चलाकर चेक करना, एकदम सही है। अब हम इसको चला सकते हैं। अब हमें जो एक्स्ट्रा धागे इसको हम गांठ लगा लेंगे ताकि ये हुक जल्दी से निकले नहीं, नहीं तो हो सकता हम गांठ नहीं लगाएंगे तो ये हुक निकल जाएगा। एक दो गठान लगा लेनी है यहाँ पे और फिर पास से धागा काट लेना है और इधर भी आपको ऐसे ही करना है और यहाँ से भी आपको धागे को, एक्स्ट्रा धागे को पास से काट लेना है। ये देखिए हुक लगकर कंप्लीट हो गया। अब हम इस हुक को थोड़ा सा इसके नुक्के को ऊपर उठा देते हैं ताकि हुक लगाने में आसानी रहे। ये देखिए हुक लगकर कंप्लीट हो गया, पीछे से इस तरह से दिखेगा। अगर आप सेम कलर का धागा लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेकार नहीं लगेगा। ये हमने अलग कलर का धागा लिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और इस तरफ ऐसा रहेगा। अब मैं आपको हाथ से हुक लगाना बताऊंगी और मैं हाथ से आई बनाकर भी बताऊंगी। इस नीडल में चार लेयर धागे की होगी, हमने डबल में धागा डाला है। इसमें मैं आपको गठान लगाना बताती हूँ। इस तरह से आपको पकड़ना है, देखिए, और इसको इस तरह से ट्विस्ट करना है। एक या दो बार आप इस तरह से गठान लगा सकते हो। अब आपको ये हुक लेना है, ये देखिए इस तरह से जहां हमने मार्किंग करी वहीं पे रखना है इसको। पहले हम एक नुक्के पे सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए सुई को आप नीचे से लेके आनी है, बिल्कुल नीचे से, नीचे वाला कपड़ा भी इसमें आना चाहिए जब ये थोड़ा टाइट होगा। अब आपको इस सुई को इसमें से इस तरह से निकालनी है, फिर आपको ऐसे लेना है और इस तरह से आपको इसको निकाल लेना है। ये गठान लगते हुए जाएगी और ये पक्का हो जाएगा अच्छे से। अब हम इस नुक्के को भी सिल लेते हैं। एक नुक्का हमारा फिक्स हो गया। अब हम यहाँ पे भी लूप बना लेते हैं ताकि यहाँ से भी फिक्स हो जाए, नहीं तो देखिए हम लूप नहीं बनाएंगे यहाँ पे, तो हमारा हुक इस तरह से रहेगा। अब हम इस नीडल को, ये जो पट्टी है हमारी, इन दोनों पट्टियों के बीच में से भी अंदर अंदर ले जाएंगे ताकि बहुत ज्यादा धागे दिखाई नहीं दे। इस तरह से ये देखिए ऐसे, और अब हम इसको इस तरह से इसमें पक्का कर लेंगे। इस तरह से आपको इस तरह से बांध देना है गठान, यहाँ पे एक बार फिक्स करना और एक बार इसको यहाँ से ले जाके इधर निकालनी, तभी ये ज्यादा फिक्स होएगा। अब हम इसको काट लेंगे, हमने गठान लगा दिए यहाँ पे। अब आपको इसको बिल्कुल पास से काट लेना। अगर आपको और भी हुक लगाने तो आप इसे काटे नहीं। और ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक हुक यहाँ लगाना, तो आपको इस तरह से इसको पट्टी के अंदर अंदर वहां तक ले जाना और यहाँ पे लाके इस तरह से उठा लीजिए ऊपर, ऐसे निकाल लीजिए आप। अब आप अगर यहाँ पे भी आपको हुक लगाना तो इसी तरह से हुक लगा लेना और अंदर अंदर धागे को ले जा सकते। कुछ लोग इसको इस तरह से भी ले लेते हैं, देखिए काटते नहीं है, सीधा यहाँ ले आते हैं और फिर यहाँ हुक लगा देते हैं, इस तरह से ये धागा चलता रहता है। अगर आपको इस तरह से धागा नहीं दिखाना तो आप इस तरह से भी
कर सकते हो। और ये देखिए, ये उल्टी इस तरह से लगेगा उल्टी तरफ। ये मशीन से लगाया और ये हाथ से लगाया। अब आपको मैं इधर सीधी तरफ बताती हूँ। ये देखिए, ये मशीन से लगाया हुआ और ये हाथ से लगाया हुआ। हाथ से लगाए हुए में थोड़ा फिनिशिंग ज़्यादा है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता वो मशीन से भी लगा सकते हैं। अगर सेम कलर होगा तो ये धागा इतना नहीं दिखेगा। मैंने अलग कलर से दिखाया आपको लगाकर। अब मैं आपको आई बनाना बताऊंगी। इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से, इस तरह से घटान लगाकर। अब हम आई बनाते हैं। आई बनाने के लिए ये दूसरी पट्टी लेंगे और इसकी इसी को रख के हम मार्किंग करेंगे कि हमें कहाँ पे आई बनानी है। इसको रखकर आप मार्किंग कर लें पहले। ये देखिए, इस तरह से एक आई यहाँ पे बनेगी और दूसरी आई यहाँ पे बनेगी। सेम तरीके से सिलते जाना। इसी तरह से दो तीन लेयर में हम लूप बना देंगे इसके। ये देखिए, अब आपको इस तरह से करना है। देखिए, हमने इस धागे को ऐसे निकाल लिया है ऊपर। अब आपको ऐसे लेना और इस तरह से निडल को घुसाना और ऐसे करके इस तरह से आपको इसको ऐसे लाना वापस से। इसी तरह मैं आपको एक गद बार ये पूरा मैं आपको बनाकर बताऊंगी। इस तरह से सुई को आपको इस तरह से देखे, इसके इस तरह से घुमाना आपको धागे को। और ये सुई है जो उल्टी तरफ जानी चाहिए। अगर हम सीधी चलाएंगे तो इसके अंदर ये फंस जाएगा कपड़े में, इसलिए आपको उल्टी तरफ से इसको इसमें से इस लूप में से निकालनी है ऐसे। अगर ये इस तरह से हो जाए तो आप इसको पहले सही कर लीजिए, नहीं तो इतना बढ़िया नहीं बनेगा यहाँ पर लूप। इस तरह से ये देखिए, अब इसको आपको इस तरह से ले जाना और इधर खींच के ऐसे लाना है। एक बार और बताती हूँ मैं आपको, ऐसे बनाना आपको और सुई को उल्टी उल्टा इसमें घुसाना है और ऐसे ये गटान बन जाती है। देखिए, और इसको इस गटान को इस तरह से करके और ऐसे वापस से इधर खींचना ताकि यहाँ से सॉलिड बन जाए, अच्छा बन जाता है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से देखिए, लास्ट एंड आ गया। अब हम इस नीडल को नीचे की तरफ डाल देंगे इसको ऐसे और इसको गटान लगाकर। मैं आपको एक और आई बनाकर बताऊंगी। ये देखिए, उसमें हमने सभी धागे एक करके हमने लास्ट में गटान लगा दी, इसमें हमने ऐसा नहीं किया। ये देखिए, एक एंड पर हमने गटान लगाई और एक एंड पर हमने गटान नहीं लगाई है, ताकि इससे हो सकता है आपके धागा कम उलझेगा। ऐसे भी आप बना सकते हो। ये देखिए, बनाने का तरीका सेम है, बस हमने इसमें एक में हमने गटान लगा दी, बाकी का हमने ऐसे ही छोड़ दिया खुला। इस तरह से आपको करना है। देखिए, अब हमें इसको इस तरीके से पकड़ना है एक धागे को और इसको आपको उल्टी कर देना, क्योंकि अगर हम इस तरह से इसमें फंसाएंगे तो ये देखिए कपड़े में जाके ये अटकती है, तो आपको इसको उल्टा करना है ऐसे और इसी तरह से उधर ले जाकर आपको इधर की तरफ खींच के लाना, पर बहुत ज्यादा आपको टाइट नहीं करना है, हल्के हाथ से। अब हम लास्ट में इसको इसमें इसके बिल्कुल नजदीक से ले जाकर उल्टी तरफ ले जाएंगे और गटान लगा देंगे। ये हमारी आई बनकर कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इस वीडियो में हुक और आई मशीन से और हाथ से दोनों तरीके से बता दिया है। और इसी तरह से जैसे ये हुक लगाए, इसी तरह से मेटल की आई भी आती है, उसको भी आप
लगा सकते हो, जैसे हुक लगाए इसी तरह से आपको आई को भी लगाना है। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स।